हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सब ठीक ठाक चल रहा है? ये लोग तुम्हें वैसी इज्जत दे रहे हैं ना जैसे एसीबी प्रद्युमन को देते थे। सर सर, क्या इज्जत और कैसी इज्जत। जब भी ये प्रद्युमन की सीट पर बैठता हूँ ऐसे लगता है जलते हुए कोयलों पर बैठ रहा हूँ। ऐसी यहाँ निकलती है मुंह से कि पूछो मत। ये प्रद्युमन क्या खिला के गया इनको मालूम नहीं, दिन रात उसकी माला जपते रहते हैं। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? छत गिरेगी तब कुछ करोगे? करो इनको अपनी मुट्ठी में। सर, इस टीम की ताकत है अभिजीत और दया की दोस्ती। अगर इन दोनों की दोस्ती में दरार डाल दी जाए तो ये टीम हरे बाजार बिक जाएगी। कोई नहीं पूछेगा इन्हें। क्या पता चल गया? ठीक है, उसे वहां से जाने मत देना, हम लोग अभी पहुंचा है। अरे अभी तो यहां पे थी, कहां पे चली गई? डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल के सारे दरवाजे बंद करवा दीजिए। ये मालविका हॉस्पिटल से किसी भी हाल में बाहर नहीं जानी चाहिए। मालविका, hey! रुक जा। मालविका जा तू। मालविका नीचे रुको। इसे वही रुक जाओ, मैं अपने को मार डालूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, नीचे आपको हटाओ पहले। रुक जा। मालविका मेरी बात मानो। पास बता। मुझे पता है रोहन की मौत के लिए तुम लोग मुझे फांसी चढ़ाना चाहते हो, लेकिन फांसी चढ़ने से अच्छा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। एक मिनट, इस बार मैं अपने आपको सच में मार डालूंगी। मालविका आगे नहीं आ रहा हूं मैं, यही करूँ। हटाओ इसे। नहीं, इसे हटाओ। रुक जा, हट जा, हट रास्ते से, रास्ते से हट जा। एक्सक्यूज मी सर, आपको मैम ने बुलाया है। आता। अरे एसीपी प्रद्युमन यहाँ क्या कर रहा है? सीआईडी छोड़ के यहाँ नौकरी कर रहा है? सीआईडी छोड़ी नहीं, छोड़नी पड़ी। क्यों? सुनने में आया है कि ये किसी लड़की की जान बचाने के बजाय दुम दबा कर भाग गए। ओह नो, ये तो ठीक है बेटी, इसे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ। चल संभाल गए। मालविका ये क्या कर दिया तुमने? एक सीआईडी ऑफिसर पर चाकू मार दिया, वार किया उस पे, उसकी सजा जानती हो तुम? I'm sorry sir, मैं मैम को नहीं मारना चाहती थी, मैं तो खुद को मारना चाहती थी। लेकिन क्यों? रोहन पे मुझे शक होने लगा था कि कुछ तो माजरा है। मैं उससे पूछना चाहती थी कि बात क्या है, इसलिए मैं पूछने के लिए उसके पास गई थी। लेकिन हमारी बहस इस हद तक बढ़ गई कि रोहन ने मुझे मारने की कोशिश की थी सर। मैंने अपने बचाव में उस पर वार किया था, अगर मैं उसको नहीं मारती तो रोहन मुझे मार डालता। आपको हमारे साथ ब्यूरो चलना पड़ेगा। मैम आपने मुझे बुलाया? अच्छा तो आप हैं मिस्टर प्रद्युमन, जतिन के अंकल। सॉरी जतिन, लेकिन तुम्हें पता है ना कि छुट्टी चाहिए तो 15 दिन पहले बताना पड़ता है। तुम ऐसे ही चले जाओगे तो सारा काम अटक जाएगा। नहीं नहीं मैडम, आपका काम नहीं अटकेगा, मेरी जगह मेरे अंकल जी अगर काम संभाल लेंगे। मैम वो बहुत अच्छे इंसान है और वो काम काज के लिए तो बिल्कुल फिट है। वो सीआईडी में पहले एसीपी थे। आपसे बोलना अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ का पूरा स्टाफ जो है वो बड़ी लगन से और ईमानदारी से काम करता है। मैम मैं भी पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगा। वैसे तो ये काम आपके सीआईडी के काम से पूरी तरह से अलग है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको मजा आएगा।
वैसे मैम ये खास कुछ अलग नहीं है सीआईडी के काम से। वहां पर मुजरिमों को हम हथकड़ी पहनाते थे, यहाँ कुंवारों को शादी की हथकड़ी पहना देंगे। है? ये प्रिया नहीं मिली अभी तक, मुझे देख रहा है मेरी नाक कटने वाली है। मैं चित्रले साहब को बोला था मैं सीआईडी में वो फुर्ती भर लाऊंगा कि एक एक केस ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा, लेकिन यहां पहले केस में ही पानीपत। तुम लोग मुझे एक कारण बता सकते हो प्रिया क्यों नहीं मिली? सर वो सीआईडी के हाथों से ज्यादा दिन तक बचेगी नहीं, हम उसे पकड़ लेंगे सर, आप चिंता मत कीजिए। अरे चिंता मत करो, एक तो चित्रलोक साहब के एहसान के बोझे में दबा हुआ हूं मैं, अब तुम लोग मेरी स्टाइल से क्यों नहीं काम करते हो? ये प्रद्युमन स्टाइल अभी पुरानी हो गई, फेंक दो उसे। सर डिटेक्शन क्या होता है हमें प्रद्युमन साहब नहीं सिखाया, और जो सिखाया है वैसे ही काम करेंगे ना सर। इसका मतलब है तुम लोग मेरी सुनने वाले नहीं हो। एसीपी मैं और चाबी घुमा रहा है प्रद्युमन। सर प्लीज आप हमारे ईमान पर शक नहीं कर सकते। वो तो हम एसीपी साहब के साथ ही जाने वाले थे मगर उन्होंने हमें रोक दिया। जाने वाले थे मगर गए नहीं। ये तुम लोग ये एसी पे जाने का शौक मनाना बंद करो, उसका स्मारक मत बना दो यहाँ पे। ये इतना दिल डूबा पड़ा है, इसके लिए कुछ करना पड़ा मुझे। दो नए जवान ऑफिसर्स का सीआईडी में ट्रांसफर करना पड़ा। क्या दो नए ऑफिसर्स? नया एसीपी, नई शक्ति। दिग्विजय ये ऑफिसर्स, अंदर आ जाओ। ये आपने बहुत अच्छा किया चित्रले साहब, कम से कम ये दोनों मेरी बात तो सुनेंगे। अब ये केस जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। सुना तुम लोगों ने? सर जी आपने ये क्या किया, कहां से पकड़ के लाया है? इसमें से एक जोकर दिख रहा है, एक फ्रेडी यहाँ पहले से मौजूद है। अरे तुम इनका काम तो देखो पहले। आप मेरी बुद्धि पर शक कर सकते हैं, लेकिन पुलिस ने मैंने भी 25 साल निकाले हैं। मैं देख के ही बता सकता हूँ अभिजीत और दया इन दोनों को कच्चा चबा देंगे। एक विजय सर मालविका को ले आए सर। ओ तो तुम हो वो लड़की मालविका जिसने पहले अपने पति का खून किया और फिर हमारी इस लेडी ऑफिसर पे हमला किया। सर वो गलती से हो गया था। ये रोहन और बिल्लू शादी से पहले कितनी बार मिली थी इससे तुम? यही कोई 5-6 बार। फिर भी पता नहीं चला कि ये आदमी फ्रॉड है? मुझे उसमें वो सारी खूबियां दिखती थी जो मैं अपने होने वाले पति में चाहती थी, इसलिए मैंने उसको शादी के लिए हाँ कर दी थी। तुम कहाँ मिलती थी रोहन से, घर पे या कहीं और? सर हम लोग एक ब्लैक फील नाम की कॉफी शॉप में अक्सर मिला करते थे। वहाँ वो अकेला आता था या उसके साथ में कोई और भी था? एक दो बार उसका दोस्त अमर भी आया था। अमर? सर ये अमर नाम बार बार आता है, मेरा सीआईडी वाला दिमाग बोलता है ये अमर विलन है। सर हमें मालूम है कि अमर ने ही बिल्लू को पैसे दिए थे कि बिल्लू से रोहन बन जा और मालविका को फंसा ले। मालविका एक बात बताओ, तुम इस रोहन से मिली कैसे थी? एक निहारिका नाम की लड़की है जो हमारे पड़ोस में रहती है, वो ये रिश्ता लेके आई थी। कहाँ रहती है? सर मेरे घर से अगली रोड पर रहती है। इस निहारिका को ढूंढो और इस अमर को अब खोद के निकालो। घर को अच्छी तरह से छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। आप लोग जरा अंदर आइए। और क्या जानते हैं आप लोग अमर के बारे में? साहब वो ज्यादातर यहाँ नहीं रहते थे, कभी कभी ही आते थे। सर वो तो बहुत खड़ूस था, वो तो हम लोग से बात भी नहीं करता था। अच्छा और आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने अमर को? 2 दिन पहले रात को देखा था उसे, हाँ उसके बाद नहीं दिखा उसे। इस औरत को देखा था उसके साथ कभी? नहीं साहब। ध्यान से देखो। हाँ साहब इसी तो मैंने नहीं देखा था, इसी घर में। कब देखा था? 2 दिन पहले रात को, यही थी ये
फिर कल सुबह टैक्सी पकड़ कर चली गई। टैक्सी का नंबर याद है? नंबर तो नहीं देखा था, उस टैक्सी के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। क्या? बिजी कैब। हाँ हाँ हाँ, बिजी कैब लिखा हुआ था साहब। वो जो प्राइवेट टैक्सी होता है, इसको फोन करके बुलाते हैं। बिजी कैब। 100% उत्पल जी, आपका सपना जरूर पूरा होगा। अरे आप मुझ पर विश्वास तो करके देखिए। हमें आप पर पूरा विश्वास है। मुझे मालूम है आप हमें अच्छे से अच्छा ही लड़का दिखाएंगे। जी, मुझे भी शादी करनी है। आप? बहुत कोशिश की एक अच्छा लड़का ढूंढने की, पर मिला ही नहीं। बेटी आप बिल्कुल सही जगह आई है। निहारिका जी हमारी बेटी के लिए भी लड़का ढूंढ रही है। जी मालूम है मुझे। आपको कैसे मालूम? किसने बताया आपको? मालविका ने बताया। मालविका? कौन मालविका? ये क्या किया? सही किया मैंने, वरना आप भी इसकी जाल में फंस जाते। मालविका के साथ जो कुछ भी हुआ तो उसे इतनी जल्दी भूल गई आप? क्या हुआ? हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे बाद में बात करते हैं। सीआईडी से? कुछ गड़बड़ है क्या? जी हाँ, आप जाइए नीचे इंतजार कीजिए। कुछ याद आया या फिर से याद दिलाऊं? थोड़ी देर और की तो एक और पड़ेगा जोर का। रोहन और उसके परिवार के बारे में क्या जानती हैं आप? सर, मैं कुछ भी नहीं जानती सर। जब आपको कुछ पता ही नहीं तो आपने मालविका की शादी कैसे करवा दी रोहन के साथ? कमीशन के लिए सर। कौन देता है? सर मेरे बीरू वाले देते हैं। शादी के लायक लड़की और लड़की का उनसे मिलवाती हूँ और वो अपने कमीशन का 20% मुझे देते हैं। रोहन को कहाँ ढूंढा आपने? मेरे कजन रोहन का नाम बताया था। कजन का नाम? मुत्तू सर, मुत्तू। मुत्तू। ये प्रद्युमन ने एक छोटी सी गलती कर दी, बस उस गलती से घेर लिया आपने उसको। मैंने उसे मजबूर किया इस्तीफा देने के लिए। मानना पड़ेगा सर जी आपको, चाय में से जैसे मक्खी उठाकर फेंक देते ना, वैसे उठाकर फेंक दिया। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि एक सीआईडी ऑफिसर पीठ दिखा के भाग जाए कायर कहीं का। बाकी आप कुछ भी कह सकते हो सर, लेकिन प्रद्युमन कायर नहीं है। ए! मैं जानता हूं सर। ये क्या हो गया तुम्हें? प्रद्युमन को निकाल के तुम्हें लाके बिठाया और तुम प्रद्युमन के गुण गा रहे हो? प्रद्युमन ने पटा लिया है तुम्हें? सर गेंडे की चमड़ी है मेरी, वो क्या पटाएगा मुझे। और अब प्रद्युमन की छोड़ो, उनके सोचो जिन्हें प्रद्युमन छोड़ के गया है। कौन? ये अभिजीत और दया वगैरह वगैरह? यही दोनों। ये दोनों प्रद्युमन के भक्त हैं। इनकी दिलों में अभी तक आग लगी हुई है जो कभी भी ज्वालामुखी बन के फट सकती है। फिर निकाल देते हैं ना सीआईडी से दोनों को? नहीं नहीं नहीं, निकाल नहीं सकते। इन दोनों को निकाल दिया तो सीआईडी चलेगी कैसे? मैं हूं ना सर, अकेला संभाल सकता हूँ सीआईडी को। हाँ। मैंने तुम्हें एसीपी कैसे बनाया ये मैं ही जानता हूँ। सर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। हाँ पता है पता है, तुमने आज तक सिर्फ 2 केसेस सॉल्व किए हैं, है ना? आपके सिवा दूसरे किसी को मालूम नहीं है सर। हाँ मालूम है। क्या पता चला? सर सीआईडी छोड़ने के बाद एसीपी प्रद्युमन का चालढाल ही बदल गया है। सुबह 8 बजे घर से चले जाते हैं, हाथ में एक थैले जैसा बैग रहता है, शाम को 7-8 बजे के करीब वापस लौट आते हैं। ये तुम चिपके हुए हो ना उसके घर के आसपास? जी सर, दिन रात हम लोग वहीं पे थे। और ये अभिजीत और दया, ये आते हैं उससे मिलने के लिए? नहीं सर, सर अपनी नई जिंदगी में एकदम मस्त हो गए हैं एसीपी प्रद्युमन। अरे ये क्या एसीपी एसीपी लगा रखा है, अब वो एसीपी नहीं रह गया है, सिर्फ प्रद्युमन है, प्रद्युमन बस। और थोड़े दिनों में ये प्रद्युमन का प्र भी निकल जाएगा, सिर्फ द्युमन रह जाएगा, द्युमन। ये अच्छा। ये बीच के 12 घंटे वो करता क्या है? ये पता नहीं सर, रोज सुबह 13 नंबर की बस में बैठकर निकल जाते। बस में? जी सर। प्रद्युमन बस में? ये जो आदमी जिंदगी भर कार में बैठा
वो आदमी आज बस में बैठ के जा रहा है। प्रद्युम्न बस में? कुछ गड़बड़ है। मुझे मालूम था ये बाहर जाके भी चुप नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। अरे तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? कल सुबह जब वो बस में बैठेगा तो तुम चिपको उसके साथ में, देखो कहां जाता है और क्या करता है। अच्छा ये बताओ कि इन्हें पिकअप किया था तुमने मलाड से सुबह कल? जी हाँ सर। ये आदमी उनके साथ था? नहीं सर, ये आदमी तो नहीं था, मैडम तो अकेली थी। अच्छा कहाँ ड्रॉप किया था तुमने प्रिया जी को? बांद्रा के एक कॉफी शॉप में। बांद्रा के कॉफी शॉप में? लेकिन इतने सुबह सुबह कोई मलाड से कॉफी पीने के लिए बांद्रा क्यों जाएगा? नाम क्या था कॉफी शॉप का? सर ब्लैक बीन्स कुछ। सर हम लोग एक ब्लैक फील नाम की कॉफी शॉप में अक्सर मिला करते थे। सर ब्लैक फील तो वही कॉफी शॉप है जहाँ मालविका जी रोहन और अमर से मिलने जाती थी। अच्छा कोई और अजीब बात हुई हो कॉफी शॉप के बाहर उनको छोड़ने के बाद या फिर रास्ते में टैक्सी के अंदर? सर 6:45 उनको एक फोन आया था, उन्होंने मुझसे पेन और पेपर मांगा तो मैंने अपना रेटिंग पैड उन्हें दे दिया। वो पैड है तुम्हारे पास? जी सर। लेके आओ। ठीक है सर। सर सुबह सुबह 6:00 कोई प्रिया जी के लिए कॉफी शॉप क्यों खोलेगा? इस कॉफी शॉप में कॉफी के अलावा कुछ और भी पक रहा है। हेलो। यस सर, हम लोग टारगेट का पीछा कर रहे हैं सर। टारगेट अभी रोड पर खड़ा हुआ है। जी हाँ सर, बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहे हैं। सर आई विल ब्रीफ यू अगेन। बाय सर। चलो सर, एसीपी प्रद्युम्न यहीं कहीं दया और अभिजीत को मिलता होगा। मैं अभी कैमरे से रिकॉर्डिंग करता हूँ। रुक, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे प्रद्युम्न को हम पर शक हो जाए। सारा काम बड़ी होशियारी से करना होगा, नहीं तो डीसीपी चतौली हमारी बैंड बजा देगा। एसीपी प्रद्युम्न मैरिज ब्यूरो में? कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर रहे? अरे नहीं इडियट, लगता है सीआईडी छोड़ने के बाद प्रद्युम्न साहब ने मैरिज ब्यूरो में नौकरी ढूंढ ली। सीआईडी के बाद मैरिज ब्यूरो? सर और कोई काम नहीं मिला उनको? एसीपी प्रद्युम्न कोई भी काम बिना वजह के नहीं करता, जरूर इसके पीछे भी कोई गहरा राज छुपा है। मैं डीसीपी साहब को इन्फॉर्म कर देता हूं। मंगल शादी मैरिज ब्यूरो, ये क्या प्लान है तेरा प्रद्युम्न? क्या करने वाला है तू? एक बात पूछूं सर? हाँ? आपको यहाँ पर काम करना अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, और वैसे भी खाली बैठने से तो अच्छा ही है। लेकिन फिर भी सर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। सीआईडी में आपने बहुत सारे खतरों का सामना किया है, गोलियां खाई, गुंडों से मुठभेड़ हुई है आपकी, यहाँ तक कि बॉम्ब ब्लास्ट से भी पाला पड़ा है आपका। अरे वो तो पुरानी बातें हो गई कि माया। लेकिन फिर भी सर, सीआईडी में इतना बहादुरी का काम करने के बाद यहाँ पर एक क्लर्क की जॉब करना कुछ अजीब नहीं लगता आपको? नहीं तो कि माया, जब मैं सीआईडी में था तब समाज की बुराइयां दूर करने की कोशिश कर रहा था, अब यहाँ आकर नौजवान लड़के लड़कियों की जोड़ियां बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि माया एक बात समझ में नहीं आ रही है। वो क्या सर? यहाँ की सारी फाइलें देखी मैंने और उसमें जितने भी लड़के हैं ना,
वो सारे के सारे अमीर घर के, और लड़कियां लोअर मिडिल क्लास की, गरीब घर की। ऐसा क्यों? जबकि ज्यादातर परिवार अपने बराबरी वाले घरों में ही रिश्ता करना पसंद करते हैं। पर सर, अच्छी बात है ना, गरीब घर की लड़की अमीर घर में जाएगी तो उसका भविष्य तो सुधर जाएगा ना, है ना सर? किमाया, जरा यहाँ आओ। मैं आती हूँ सर। किसके सामने क्या बोलना है जरा सोच समझ के कहा करो। सॉरी मैम। मिस्टर प्रद्युमन के साथ ज्यादा बातें लड़ाने की जरूरत नहीं, उनको बोलना कि मेरे केबिन में। आपने मुझे बुलाया मैडम? जी, मैं जानती हूँ कि ये काम आपके लिए नया नया है, काफी सवाल आ रहे होंगे आपके दिमाग में। हाँ, वो क्या है ना कि हर काम सही तरीके से करने की आदत जो पड़ गई है। आदत अच्छी है, लेकिन इसे आप रिश्ते जोड़ने के लिए इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप मुजरिमों की तरह लड़के लड़कियों की कुंडलियां निकालने लगे तो हो सकता है हमारे इस मैरिज ब्यूरो को ताला लगाना पड़े। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ इन परिवारों की आर्थिक हालत जानने की कोशिश कर रहा था। अब जा सकते हैं। किमाया, जो भी पुरानी फाइल्स और कागज वगैरह है ऑफिस पे वो सारे जला दो, और कंप्यूटर में भी जो भी पुराना डेटा हो सब डिलीट कर दो, बहुत कचरा बढ़ गया ऑफिस में। चित्रोले साहब, आप यहां कैसे? प्रद्युमन, तुम तो यहां पे जम गए यार, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ सर, सच कहूं तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं इसी काम के लिए बना था, बेवजह मैंने सीआईडी में इतने साल गंवा दिए। सब ठीक है, यहां पे कैसे आए? सर क्या है कि जो आदमी बेरोजगार है उसके लिए कोई भी काम अच्छा ही है, लेकिन मैं लकी था, जैसे ही आपने मुझे सीआईडी से निकाल लिया मुझे यहाँ पर नौकरी मिल गई। तुम सीआईडी से निकले अपनी वजह से, ना जैस्मिन की मौत होती ना तुम्हारी नौकरी जाती, एंड आई होप इसके लिए तुम मुझे जिंदगी भर गाली नहीं दोगे। हैं? अरे नहीं सर, मेरे दिल में बिल्कुल गुस्सा नहीं है, मैं तो यहाँ पर अच्छा काम करता हूँ शांति से। ये इतना कैसे बदल गया, सन्यासी हो गया, खतरा और बढ़ गया है। क्या हो गया सर? नहीं नहीं, एक बात बताओ। हाँ? तुम अपनी शादी तो संभाल नहीं सके, लड़का तुम्हारा भटक गया और तुम दूसरों की शादी कराने निकले। वैसे तो सर शादी के मामले में आपका भी हाथ तंग है। नहीं, आई एम सॉरी, एक बात कहूं सर? कब? देखिए अब मैं यहीं पर हूं, अगर आप चाहो तो, मतलब अगर आप चाहो तो आपके लिए कोई अच्छा प्रपोजल ढूंढ सकता हूं मैं। क्या? नहीं सीरियसली सर, कि सर आप अभी भी इतने हैंडसम लगते हैं। है? बिल्कुल, मतलब हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, व्हाई नॉट। देखो देखो कैसे मन में लड्डू फूट रहे हैं बेवकूफ। तो फिर कर ही दो। ओके सर। सर। हाँ की भाया? आपके टेबल पर 3 फाइल्स रखी, आपको बहुत सारा काम करना है। मैं करता हूँ, लेकिन इनसे भी मिलना बहुत जरूरी था। किमाया। जी मैम। तुम हमेशा इसी तरह से टाइम पास करती रहती हो। वो मैम, मैं प्रद्युमन सर को बता रही थी कि। चुप, जाओ अपना काम करो। और मिस्टर प्रद्युमन, आप तो समझदार है ना, तो फिर आप कैसे टाइम पास कर रहे थे इस तरह? मैम मैं टाइम पास नहीं कर रहा था, ये हमारे क्लाइंट हैं। अब इनके लिए एक प्रपोजल के बारे में डिस्कस करना था। ओ, कब्र में पैर लटके हैं।
और बुढ़ाऊ निकला है शादी करने। अरे आपको सोचने लगे, मुश्किल है। अब नहीं नहीं तो कैरी ऑन। रदुमन ये नहीं, नहीं ये प्रपोजल नहीं है सर। अरे यार मैं कह रहा था कि तुम इसके अंडर में कैसे काम करते हो, ये तो बहुत कड़क भाई है। नहीं नहीं सर आपकी जैसी तो बिल्कुल नहीं, आप तो ठीक है ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, मैं 2-3 दिन में आपको फोन करता हूँ सर, कोई अच्छा प्रपोजल निकलेगा तब। हाँ करना। मैं जरा शेर खास नहीं खा सकता है, ये प्रद्युमन को छुपा रहा है, कुछ छुपा रहा है। सर एक बहुत ही चौंका देने वाली बात पता चली है। डॉक्टर तारिका की शादी हो गई क्या? सर मेरा नाम अभिजीत है, पर मैं काम के वक्त ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता, और ये बात हमें एसीपी प्रद्युमन ने सिखाई है। और जो बात मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर आपको और भी धक्का लगेगा। सर जिस कॉफी शॉप में मालविका रोहन से मिलने जाती थी वो कॉफी शॉप इलियाना की है। इलियाना, प्रिया की लड़की इलियाना, वो प्रिया जो नकली शादियों का रैकेट चला रही है, कहीं माँ बेटी मिलके तो नहीं कर रही है? जी सर, जब हम प्रिया को ढूंढते ढूंढते उसके घर गए थे उस वक्त इलियाना मिली थी। प्रिया जी तुम्हारी माँ है? जी। तुम्हारा नाम क्या है? इलियाना। उस समय बोली कि मेरी माँ क्या करती है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, और अब ये। और सिर्फ यही नहीं सर, ये प्रिया भी सुबह सुबह 6 बजे ब्लैक फिल कॉफी हाउस में ही गई थी। प्रिया भी वहां गई थी? हाँ सर, और जिस टैक्सी में बैठ के वो गई थी उस टैक्सी वाले से उसने ये पैड लिया और इसमें कुछ लिखा था उसने। 55-23-50-500 7 जनवरी 20-13 86-25-40-785 29 दिसंबर 20-12 कहीं है पासवर्ड तो नहीं होगे? ये तारीखें लिखी हुई हैं, तारीखों के साथ में नंबर लिखे हुए हैं, इन तारीखों पे कुछ बड़ा होने वाला है। सर हम लोगों ने बहुत दिमाग लगाया और इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये जो पहला नंबर है 55 सर, ये किसी देश का कोड है, 55 ब्राजील का कोड है सर, और जो 50-500 है आगे वो ब्राजील जाने के टिकट का खर्चा। मतलब 7 जनवरी को कोई ब्राजील जा रहा है? हाँ सर, नकली शादियां करवा के मासूम लड़कियों को बाहर भेजा जा रहा है, हमारी देश की लड़कियों को फंसाया जा रहा है, इन बेचारी लड़कियों को मालूम नहीं कि इनके साथ क्या होने वाला है सर। और ये जो बीच में 21-27-25-21 लिखा है ये उन लड़कियों की उम्र है सर, सर ये हमें रोकना ही होगा। वाह सर वाह, क्या दिमाग पाया आपने, कितना गहरा सोचते हैं, मैं तो ये सब सोच भी नहीं सकता हूं। सर उस मैरिज ब्यूरो का पता चल गया है जहां से निहारिका को मालविका के लिए रिश्ता मिला था, रोहन का। कौन सा मैरिज ब्यूरो है? मंगल शादी मैरिज ब्यूरो। क्या मंगल शादी मैरिज ब्यूरो? मंगल शादी मैरिज ब्यूरो। अभिषेक ये ज्योति है। हाय। हाय। वैसे तुम दोनों की प्रोफाइल मैंने देखी है और मुझे लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। जी आप क्या करती हैं? मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, और आप? मेरा कपड़ों का कारोबार है। क्या बात है क्या बात है, जोड़ियां या तो स्वर्ग में बनती है या फिर प्रद्युमन की टेबल पे, है ना? आपके ही कॉफी शॉप में आपको चलने के लिए कह रहा हूँ, पहचाना ना? हाँ ये मेरा ही कॉफी शॉप है, लेकिन आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? मैं अपनी मम्मी के किसी भी काम में जुड़ी हुई नहीं हूँ और ना ही वो मेरे काम में दखल देती हैं। अच्छा, इसीलिए आपकी मम्मी जी यानी प्रिया जी परसों आपके कॉफी शॉप में आई थी सुबह 6 बजे। मम्मी और यहाँ पर?
नहीं, ये गलत है। यही सच है और हमारे पास गवाह भी है। वो टैक्सी ड्राइवर जिसने प्रिया जी को यहाँ इसी कॉफी शॉप के पास छोड़ा था, समझी? प्लीज चलिए। अरे मैम, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ मैम, कुछ टेंशन है क्या? मैडम से बाद में बात करना, पहले हम लोगों से बात कर लो। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या बात है सर? प्रिया जी का? मैम प्रिया जी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता मैम। देखो सर, सच बताओ, हमें मालूम है प्रिया जी यहाँ परसों आई थी सुबह 6 बजे। सर 6 बजे? सर ये कॉफी शॉप सुबह 6 बजे खुलती नहीं है सर। वही तो हम जानना चाहते हैं कि प्रिया जी इतनी सुबह कॉफी शॉप में क्या करने आई थी। परसों यहाँ पर कौन सा स्टाफ मौजूद था? मैडम परसों शॉप तो मैंने ही खोली थी। अच्छा, आपने खोली थी? जी, लेकिन प्रिया जी के यहाँ आने के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने उन्हें यहाँ नहीं देखा। 10:30 बजे मैं शॉप खोल देता हूँ, बाकी स्टाफ 11 बजे तक यहाँ आ जाते हैं। विराट और उसके पिता उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारते थे सर। ओ, प्रेडी, पहचाना इन लोगों को? हाँ सर, अच्छी तरह से। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे? काम करते सर। ये क्या कर रहे हैं आप? आप मेरे स्टाफ को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या क्या किया है इन्होंने? क्या किया है? सानिया को जानते हो? उसको घर में बंद करके मारते पीटते थे। कहाँ है वो? सर, सर ये सानिया कौन है? सानिया एक अभिषेक, ज्योति, मैं अभी आया। चित्रोले साहब, आप बार बार यहाँ आकर मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और जब तक यह पता नहीं चल जाता कि तुम्हारे पतंग यहीं पे आके क्यों पटकी, ये दर्द होता ही रहेगा। आप चिल्लाइए मत, आपकी शादी नहीं हो सकती। चुप, शादी तो मैं करूंगा तेरी। एक्सक्यूज मी, डीसीपी चित्रोले फ्रॉम सीआईडी, खड़े रहो सब अपनी अपनी जगह पे, हिलो मत। ये मैरिज ब्यूरो तुम्हारा ये? हाँ। जो भोली भाली लड़कियों की शादी करा के उनको नरक में झोंकती है। क्या मतलब? जेल में जब चक्की पीसेगी तो पता चलेगा कि इसमें हाथ काले क्यों किए। मालविका की शादी रोहन से किसने फिक्स की थी? यहाँ पे कितने रोहन और कितनी मालविकाएं आती है, अब कैसे याद रहेगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं? याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। एक एक आदमी जो यहाँ पे आएगा उसका नाम याद रखना पड़ेगा। एक आदमी था जिसका नाम बिल्लू था, उसका नाम चंगू भी था और राकेश भी था और बिचोटिया भी था और रोहन भी था। मालविका की शादी उससे करा के तुमने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। हम तो लोगों से सिर्फ बायोडेटा लेते हैं, अब उस बायोडेटा में वो अगर कुछ गलत छलत छाप दे तो हम क्या कर सकते हैं? बायोडेटा सही है कि नहीं ये आपको ही देखना पड़ेगा। और एक एक चीज चेक किए बिना अगर एक भी शादी और हुई तो इस मैरिज ब्यूरो पे ताला लगा दूंगा। हम फिर से आएंगे, सारी फाइलें, सारे कंप्यूटर्स चेक करेंगे। आज से इस मैरिज ब्यूरो पे हमारी निगाहें लगी रहेंगी। एंड मिस्टर प्रद्युमन, आपके ऊपर भी हमारी निगाह रहेगी। अब दूसरी नौकरी ढूंढने की तैयारी करो। चल सुदीप, कल मिलते हैं। चल
और किताब तो मैंने पढ़ लिया, कल तेरे को लाके देता हूँ। सर घर नहीं जाना है आपको, ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया है। बस निकल ही रहा था। जी मैम सब लोग चले गए। ठीक है चलो चलो। तुम चलोगे मेरे साथ? ड्रॉप कर दो तुम? ठीक है मैम, आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए। ओके चल साथ में चल। अब मेरा सामान लेके जाओगे? मैं आती। हेलो, दिन ब दिन परेशानी बढ़ रही है। हाँ वो डीसीपी साहब भी आके चेक कर गए उस दिन, उन्हें जरूर हम पे शक है। हाँ कि कुछ भी करके टारगेट को पूरा करना ही है। सिक्योरिटी? जी मैम। जरा यहां तो आओ। ऊपर कोई है? ऊपर तो कोई नहीं था मैम, ताला मैंने अपने हाथों से बंद किया है। नहीं लेकिन मुझे लग रहा है कोई है। चलो देखते चलो। कोई तो था यहाँ, कोई तो जरूर आया था यहाँ। मैम मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई नहीं है, जरूर आपका वहम होगा। वहम बैटरी की तरह जलता नहीं है समझे, कोई ना कोई तो जरूर था यहाँ। लगता है डीसीपी चित्रोले की धमकी के बाद मैम कुछ ज्यादा ही घबरा गई है। चलो औरत पे हाथ उठाता। हाँ औरत पे हाथ उठाने वाले लोगों को आप ऐसी कड़ी सजा मिलेगी कि उसके साफ पुश्ते याद रखेंगे। अरे 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 क्या हालत बना दी है इन बेचारों की। तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं है? सर ये लोग भोली भाली लड़कियों को मारते हैं सर, उन पे हाथ उठाते हैं। सानिया को मारा, उसकी मरने जैसी हालत बना दी इन लोगों ने। सानिया कहाँ है? सर सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ। अरे बेटे को नहीं तो बाप को तो मालूम होगा। हमें कुछ नहीं पता साहब, अमर ने हमें पैसे दिए थे सब करने के लिए, उसने जैसा कहा हमने किया। ये मालूम होते हुए भी कि तुम्हारा बेटा गलत रास्ते पे चल रहा है, उसे रोकने के बजाय तुम भी चल पड़े उसी रास्ते में। क्या रैकेट है ये, क्या करते हो तुम लोग लड़कियों के साथ? हमें कुछ नहीं पता साहब। इसकी पूजा जरा कम हुई है दया। मुझे बस इतना मालूम है कि सानिया कनाडा की एम्बेसी जाने वाली है वीजा के लिए। कनाडियन एम्बेसी? हाँ साहब, 14 जनवरी को उसे कनाडा भेजा जाना है। सर फिर तो अमर भी कल उसके साथ जा रहा होगा। चलो जल्दी से सानिया को बचाने की तैयारी कर लो। और ये प्रिया, प्रिया कहाँ है? मैं कहीं पता नहीं सर। फिर वही पता नहीं? मैं कहीं पता नहीं। बोल
कहाँ है वो? सर, सर उस दिन जब प्रिया कॉफी शॉप आई तो उसने मुझसे बोला कि वो कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो रही है क्योंकि आप लोग उसे पीछे पड़े हुए। ये अमर कहाँ मर गया? अभी तक आया क्यों नहीं? आता ही होगा मैडम, आता ही होगा। सॉरी मैम, ट्रैफिक बैठा गया। बट क्या हुआ, बहुत टेंशन में लग रही थी। फॉरगेट ऑल दैट। देखो, कुछ दिनों के लिए मैं अंडरग्राउंड हो रही हूँ। अंडरग्राउंड? क्यों? सीआईडी को मुझ पर शक हो गया है। वो लोग मुझ पर नजर रखे हुए हैं। देखो, मेरी गैर मौजूदगी में हमारा काम अटकना नहीं चाहिए। शादी जितनी तय की हुई है वो सारी हो जानी चाहिए, समझे? समझ गया मैं। हाँ? मैं सब समझ। क्लाइंटों से हमने एडवांस में पैसा लिया हुआ है। Okay, get it? और एक बात, मुझे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं कांटेक्ट करूंगी तुम लोगों को। Get it? Yeah. Snap it going. तुम बहुत खतरनाक औरत है वो। ये लोग जो कर रहे हैं ना, वो लड़कियों को बाहर भेजने का रैकेट है। एक लड़की बेचारी कितने अरमानों के साथ शादी करती है ये सोच के कि उसकी नई जिंदगी उसके लिए खुशियां ही खुशियां लाएगी, मगर तुम जैसे लोग उसकी जिंदगी में आंसू और तड़प भर देते हो। ये प्रिया लड़कियों को कहां से लाती है? अगर ये पता चल गया तो प्रिया भी मिल जाएगी। फोटोग्राफ्स भेजता हूं, चेक कर लेना। या हाँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। कोई आया दरवाजे पर। अरे अभिजीत, दया, आओ 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 आओ। सर, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, उल्टा मुझे बहुत अच्छा लगा तुम दोनों को देखकर। बता, कैसे चल रहा है तुम दोनों का? हैं? चल रहा है सर, बस आपके बिना सब सुना सुना है सर। किसी भी दिग्विजय आपकी चेयर पे बैठते हैं तो आग लग जाती है सर। मन करता है चित्रोले साहब को इस्तीफा दे दें सर। नहीं 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 अभिजीत, दया, तुम दोनों ही गलती कभी मत करना। अब सिर्फ तुम दोनों ही तो हो, लोग तो तुम दोनों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जुर्म के खिलाफ लड़ाई जारी तुम ही रखोगे। सर, जुर्म के खिलाफ तो हम लोग लड़ी रहे हैं, मगर आपके जाने के बाद हमारी ताकत आधी हो गई है सर। खुद को बेसहारा महसूस करते हैं हम लोग। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता दया, अब तो तुम दोनों को भी आदत हो जाएगी कुछ ही दिनों में मेरे बिना काम करने की। नहीं सर, ऐसा मत कहिए सर, हम लोगों को तो अभी भी उम्मीद है कि एक ना एक दिन आप सीआईडी में वापस आएंगे सर। अभिजीत, अच्छा वो छोड़ो, क्या लोगे, चाय कॉफी ठंडा है? नहीं सर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस आपका हालचाल पूछने आए थे। हालचाल? बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, है ना? दिन कैसे कट रहे हैं सर? अरे कुछ नहीं, सुबह उठता हूँ, वॉक को जाता हूँ, फिर आता हूँ, पेड़ पौधों को पानी देता हूँ, फिर कुछ किताब पढ़ लेता हूँ, लोगों को अच्छी अच्छी सलाह देता हूँ, फिर शाम को वॉक करके घर आ जाता हूं। और करूं भी तो क्या है? कर तो आप बहुत कुछ सकते हैं सर, हमें मालूम है कि आप ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है। सर, आप हमें अभी तो बता सकते हैं कि हुआ क्या था? दया दया, ठीक है, कोई बात नहीं सर, लेकिन कभी हम लोगों की जरूरत पड़े तो सर याद कीजिएगा। हाँ।
भाई साहब मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज हमें पहले जाने दीजिए ना। एक्सक्यूज मी सर, हमारे वीजा। आपके वीजा तो कब से रेडी है, लेकिन आप जाना कहां चाहेंगे मिस्टर अमर? तिहाड़ जेल या आर्थर रोड जेल? आप सचिन, अमर तो उड़ना चाहता है। इतनी जल्दी भी क्या है मिस्टर अमर? अपना सिक्योरिटी तो चेक करवा लो। आप लोग For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.